हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट को समझना क्या है। कोऑर्डिनेट मीन्स जैसे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आप ड्रा करते हैं, तो एक्सिस में ये क्या हो जाता है, एक्स पॉजिटिव। क्या रहता है बच्चों, एक्स पॉजिटिव, और ये एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। इस तरीके से आप एक्स वाई एक्सिस ड्रा करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, तो ये ज्योमेट्री में आप देख रहे हैं। सिंपल सा भी अगर कोई बिल्डिंग आपका जमीन से ऊपर बना रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और कहीं कुएं के अंदर जा रहे हैं तो डेप्थ हो गया, तो डेप्थ निगेटिव में होगा। ऐसे ही ये फॉरवर्ड मोशन में है, फॉरवर्ड में पॉजिटिव में आएगा। ऐसे ही बैक साइड में आ रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये निगेटिव आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे जब जाएंगे तो पहले हमेशा एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव, हमेशा पहले एक्स का वैल्यू। अब वाई का वैल्यू जब लिखेंगे तो वाई क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आल्सो। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है एंड वाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स पहले लिखना है, तो ये निगेटिव और वाई भी निगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पहले एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो गया और वाई का वैल्यू निगेटिव। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट में आपको अगर वैल्यू याद रखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स निगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स का वैल्यू निगेटिव और वाई का वैल्यू आल्सो निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई का वैल्यू निगेटिव। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू देख सकते हैं। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा एक्स का वैल्यू। दूसरी बात, यहाँ पे आएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, अब्सिस का, मीन्स एक्स लाइन पे जो जाएंगे, जैसे यहाँ पे जा रहे हैं एक्स साइड में, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे हमेशा इधर भी जा सकते हैं और इधर भी। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, अब्सिस का इसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3, ये पॉइंट दे दिया है 3, एक्स इक्वल टू कितना दिया है 3, तो ये कहाँ पे आएगा, एक्स इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमारा वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस है एक्स का, वो कितना है बच्चों, 3 है। तो 3 को क्या बोलेंगे हम, ये एक्स एक्सिस पे है तो इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिस का बोलेंगे। तो ये अब्सिस का है, ये 3 क्या हो गया, अब्सिस का, राइट। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट पे कोई वैल्यू हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए वाई पे हमने ले लिया 1 2 3 4, मान लीजिए हमने 4 ले लिया यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस कहाँ से काउंटिंग करते हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, यहाँ पे एक्स भी 0 वाई पे भी 0। बट यहाँ से अगर डिस्टेंस हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से इसका वैल्यू कितना है, 4। तो एक्स एक्सिस से जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं ए कोऑर्डिनेट का 4 का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। मीन्स वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे अब्सिस का, वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट। कोई डाउट किसी को, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ से कोई लाइन ड्रा करने के लिए दिएंगे, तो इसे अगर ड्रा करते हैं तो ये वैल्यू किसका दिखाएगा, वाई का ही वैल्यू दिखाएगा। किसका वैल्यू दिखाएगा, वाई इक्वल टू 4। ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 4 को दिखा रहा है। तो y इक्वल टू 4 ऑर्डिनेट को बोलेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 3 अब्सिस का बोलेंगे, x इक्वल टू 3। चलिए अब आगे कुछ पॉइंट देखते हैं, पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फार्मूलेशन कैसे डिराइव किया गया है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट आपने x1 y1 ले लिया और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे a पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे b, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, तो ab इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। किसका डिस्टेंस? ए और बीच का डिस्टेंस, जो ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है? लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो। सेम चीज ये फार्मूला देख रहे हैं आप, तो फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से निकालने की बात कर रहा है। तो ओरिजिन तो आपको बता दिया, यहाँ पे मान लीजिए आपने एक्स वाई एक्सिस ड्रा किया, ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। यहाँ का पॉइंटिंग वैल्यू क्या होता है? जीरो जीरो। दूसरा पॉइंट आपने कहीं से लिया है, या इसका पॉइंटिंग कितना है? एक्स वाई। तो सेम वही फार्मूला हमने क्या बताया था, यहाँ पे ए यहाँ पे बी लीजिए, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट यहाँ से एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई वन ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? जीरो है, तो वाई का स्क्वायर। दोनों एक ही फार्मूला है। तो अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू इज दिस पॉइंट बी तक, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा? तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, या डायरेक्ट याद है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई। एक पॉइंट दिया हुआ है और वो क्या कर रहा है, जैसे आपका एक लाइन ड्रा है इस तरीके से एक लाइन, ठीक है बच्चों। यहां मान लीजिए ए है, यहां बी है, एक पॉइंट पी है जो ये लाइन को एम वन और एम टू के रेशियो में डिवाइड करता है। अच्छे से थोड़ा देखिए वीडियो को, पूरा देखिए ताकि आपको पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाए। पांच मिनट देख के फिर इसको छोड़ देंगे तो आगे का डेटा आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए, कुछ कमेंट भी शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक लाइन है ए बी, ए बी एक लाइन है और एक पॉइंट पी है जो ये लाइन को एम वन रेशियो मीन्स इतना पार्ट एम वन है और ये एम टू दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पूछेगा आपको इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये फार्मूला यूज कर देंगे, एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, एम वन, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिया है एक्स वन वाई वन और यहाँ पे आपने क्या लिया एक्स टू वाई टू, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपने वैल्यू ले लिया है। अभी इसको अपने को क्या करने का है, फार्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बाद में हम फार्मूले का डेरिवेशन भी बताएंगे, पहले इतना देख लीजिए। तो फार्मूला कैसे बनता है, तो एम वन यहाँ से लेंगे एक्स इक्वल टू एम वन, यहाँ का वैल्यू ले लेंगे एम वन एक्स टू प्लस ये वैल्यू लेंगे एम टू इन टू एक्स वन। यहाँ ध्यान देंगे ये एम वन है तो एक्स टू है, एम टू है ये एक्स वन है, डिवाइड बाई दोनों के नीचे एम वन प्लस एम टू ही रहेगा। अब बोलेंगे याद कैसे होगा, तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स का ही वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन दोनों को मिला के थ्री, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री, यहाँ पे भी टू प्लस वन थ्री। तो एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू सेम। वाई इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पूछता है, एक लाइन दिया हुआ है जिसका पॉइंटिंग कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट का एक्स वन वाई वन, इसका एक्स टू वाई टू, और यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है एम वन और एम टू का। तो पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो पी का कोऑर्डिनेट पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला हो गया एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। सिमिलरली वाई का वैल्यू निकालने के लिए एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। तो इस फार्मूले से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिख देंगे, तो यही वैल्यू हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पी का हो जाएगा। नेक्स्ट मान लीजिए इसी में पूछ दिया है मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट सिमिलर है, मान लीजिए पॉइंटिंग क्या हो गया, मिड पॉइंट पे हो गया, यहाँ पे दे दिया है, इसका मिड पॉइंट पूछ रहा है। तो यहां से जब देखेंगे ए रेशियो में डिवाइड कितने के रेशियो में कर रहा है,
वन वन का रेशियो में करेगा, अब मिड पॉइंट हो गया, तो जितना वैल्यू ये होगा उतना ये भी होगा। तो M1 बाई M2 जब निकालेंगे आप तो दोनों इक्वल टू क्या आएगा, 1:1 में ही आएगा, दोनों सेम है तो वैल्यू क्या होगा, M1 भी मान लीजिए सेम हो गया, जैसे मान लीजिए 3 है, ये भी 3 है, दोनों सेम है तो 3/3 होगा, तो करके कितना आएगा, 1:1 में ही आएगा। तो 1:1 में आएगा तो जो पॉइंटिंग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे M1 इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1, सब जगह 1/1 रखेंगे, तो फार्मूला सेम वही आ जाएगा, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, मीन्स M1 और M2 का रेशियो 1 का है, सेम है, तो इसके लिए M1 और M2 1:1:1 रख देंगे तो सब पे वही आ जाएगा वैल्यू। अब नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए आपको 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ट्रायंगल निकालने के लिए 3 कोऑर्डिनेट ए बी सी दिया है, ए का वैल्यू कितना है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3, इस तरीके से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, तो फार्मूला वही है 1/2, पहले अगर आप निकालते हैं तो क्या करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हाइट का वैल्यू निकाल लेते और ये बेस का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट ऐसे लिखते, तो यहाँ भी सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 रहेगा। अब पहले लिखेंगे यहाँ पे x1 लिखने के बाद ये 1 के बाद 2, तो यहाँ पे y2 - y3, अब x1 हो गया, तो फिर x2 लिखेंगे सेम साइक्लिक ऑर्डर में y3 - y1, फिर x3 लिखेंगे फिफ्थ साइक्लिक ऑर्डर में y1 - y2। तो अगर ये फार्मूला याद है तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, तो 1/2 x1 x2 x3 पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे x1 x2 x3, साइक्लिक ऑर्डर में हो गया आपका x1 x2 एंड x3, ये साइक्लिक ऑर्डर में लिख लेंगे, उसके बाद इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे आपका है y2 से चल रहा है इधर, y3 इधर, y1, तो पहले हमने क्या लिख दिया y2 - y3, उसके बाद y3 - y1, फिर y1 - y2, सेम वही चीज, तो साइक्लिक ऑर्डर में पहले x1 + x2 x3 लिख देंगे साइड में पहले, उसके बाद x1 के बाद यहाँ पे आपको क्या लाना है, 2 लाना है, 1 के बाद 2, तो y2 x1 x2 x3 लिखने के बाद आपको y का ही फॉर्म लिखना है, तो y के फॉर्म में x1 के बाद 1 के बाद 2 लिखेंगे y2 - y3, फिर इसी में से y3 - y1, फिर y1 - y2, इस तरीके से आपको फार्मूला याद है तो लिख सकते हैं। अब थोड़ा हम फोकस करेंगे एक्चुअल में अपने को यहाँ पे क्या देखना है, तो फार्मूला का हम डेरिवेशन देखेंगे, कैसे डेरिवेशन करते हैं, तो ये समझ में आ गया आपको फार्मूला, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट को मैट्रिक्स का, वाई कोऑर्डिनेट को आर्डिनेट, ये तो ईजी है, आपको याद रख लेना है। अब एक एक फार्मूले का हम डेरिवेशन करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो को आप देखें और इसको समझें अच्छे से। डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करने के लिए आप सिंपल सा एक एक्स वाई एक्सिस खींच लिया आपने, दो पॉइंटिंग आपको दिया हुआ है, एक का पॉइंटिंग है x1 y1, ठीक है, दूसरे का पॉइंटिंग बच्चों दिया हुआ है x2 y2, इसी तरीके से दिया रहेगा, एक का पॉइंटिंग कोऑर्डिनेट इसका क्या है x1 y1, दूसरे का x2 y2, अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना, मान लीजिए हमने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, ठीक है बच्चों, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लाइन नीचे खींच देंगे, यहाँ पे नीचे खींच देंगे, खींच दिया आपने, मिला दिया, अब मिलाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ से देखिए ए पॉइंट की बात करते हैं, तो ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, ओरिजिन पे हमेशा 0 एंड 0 ही रहता है, ये आपका ए हो गया, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस होगा x1, कैसे, यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट क्या लिया है x1 का, फिर इधर गए हैं y1 का, तो यहाँ से यहाँ x1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गए हैं, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, y1 होगा, याद रहेगा, ऐसे ही कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, आपने कोऑर्डिनेट क्या लिया है x1 y1, तो x1 क्या शो करता है, x एक्सिस पे जो वैल्यू है वही है x1, y1 क्या शो करता है, तो y एक्सिस पे जो वैल्यू है, तो यहाँ से आपने यहाँ गया y1 हो गया, यहाँ पे सेम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपने क्या लिया है
एक्स टू लिया है, एक्स टू एक्स एक्सिस से आएगा ना एक्स टू, फिर यहां से यहां आपने क्या लिया है वाई टू लिया है, याद रहेगा बच्चों ना ए वाई टू, इसमें किसी को डाउट, फिर से दोबारा ले लीजिए, यहाँ पे आपने पॉइंटिंग क्या लिया क्वाड्रेंट का एक्स वन वाई वन, यहाँ पे एक्स टू वाई टू, तो एक्स वन क्या शो करता है एक्स एक्सिस पे एक्स वन है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स वन हो गया, ये वाई वन क्या शो करता है वाई वन, ये वाई एक्सिस पे हो गया तो वाई वन, ये एक्स वन वाई वन सिमिलरली एक्स टू वाई टू। अब आपको ये ही वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ए बी, बी थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, ए बी सी, ठीक है। अब सबका वैल्यू मालूम होना चाहिए, एसी का वैल्यू कितना है बच्चों, तो देखिए एसी का वैल्यू क्या है, इतना ही है ना एसी का वैल्यू, तो यहां से यहां तक कितना है बच्चों एक्स टू है, और यहां से यहां कितना है एक्स वन, तो ये कितना होगा वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स वन, किसी को डाउट कुछ, ये वैल्यू कितना होगा, तो एक्स टू यहां से यहां एक्स टू हो गया, और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया, तो ये भी क्या होगा बच्चों एक्स टू माइनस एक्स वन, किसी को डाउट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं BC कितना होगा, तो यहां से यहां कितना है बच्चों, तो यहां से यहां हमने साफ लिखा है वाई वन है, और यहां से यहां कितना है वाई टू है, तो BC का वैल्यू जनरली कितना होगा बच्चों, यहां से लिख देते हैं, यही भी लिख लीजिए, BC का वैल्यू हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना, तो यहां पे लिख लीजिए, लिखना है तो BC का वैल्यू कितना आ गया बच्चों वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। सिमिलरली AC का वैल्यू कितना आया x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा देंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल्स ABC, ABC में बाई पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना है AC का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मींस BC का स्क्वायर, ये है ना भाई पाइथागोरस थ्योरम, तो AB का स्क्वायर, AB कितना है बच्चों फाइंड करना है, AB का ही वैल्यू फाइंड करना है ना, AB का स्क्वायर, AC का वैल्यू आपने लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना है बच्चों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ए बी, ए स्क्वायर हटाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी ये आपका फार्मूला हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला में ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा बच्चों हम ड्राइव करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट रेशियो में, अगर एक पॉइंट है जो लाइन को क्या करता है m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करते हैं। तो सिमिलर ऐसे ये क्या कर लेते हैं हम कोऑर्डिनेट हम x और y एक्सिस, ठीक है। अब एक लाइन ड्रा करना है, एक लाइन है इस तरीके से बच्चों, किसी को कुछ डाउट, इस तरीके का लाइन है, यहाँ पे ए पॉइंट है यहाँ पे बी पॉइंट, किसी को कुछ डाउट नहीं ना। अब यहाँ पे हमने अगर कोऑर्डिनेट लिया है ए का एक्स वन और वाई वन, ठीक है, इसका हमने लिया है एक्स टू वाई टू, किसी को कुछ डाउट हो तो तुरंत देखने का हो गया। अब एक पॉइंटिंग यहाँ पे पी है जो क्या कर रहा है इसको M1 में और इसको M2 में डिवाइड कर रहा है, M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये कौन सा P पॉइंट, मान लीजिए लेट इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया एक्स वाई, समझ में आ गया बात, ये ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, ए बी, ए बी एक लाइन है, दूसरा एक पॉइंट क्या है पी है जो ये लाइंस को एम वन और एम टू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सिंपल सा बात है, जैसे मान लीजिए आपका एक लाइन है 10 सेंटीमीटर का
और एक पॉइंट है जो इसको क्या कर रहा है, इधर टू और इधर एट के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बात समझ में आ गई क्या? ये टू रेशियो टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और एक पॉइंट पी है जो ये लाइन को क्या कर रहा है, इधर 2 सेंटीमीटर और इधर 8, तो एम वन मीन्स 2, एम टू मीन्स 8, इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो इसका पॉइंट आप कोऑर्डिनेट क्या होगा यही पूछेगा। तो पहले फार्मूला अगर आप अच्छे से समझ के डेराइव कर ले तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसका पॉइंटिंग करना है एक्स और वाई का, तो पॉइंटिंग कैसे करेंगे, तो सिमिलर इसमें भी क्या कर लेंगे, पहले हम इधर ड्रा कर लेंगे आपका कोऑर्डिनेट के लिए, छोटा सा एक लाइन ड्रा कर लीजिए, एक यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, एक यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, कोई बच्चों किसी को कोई तकलीफ, एक यहाँ से ड्रा कर लेंगे, एक यहाँ से ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब सबका पॉइंटिंग नेम नेम देख लीजिए, ए बी सी हो गया, बचा क्या, यहाँ पे सी ले लीजिए, यहाँ पे डी ले लीजिए, यहाँ पे ई ले लीजिए, यहाँ पे एफ ले लीजिए, यहाँ पे जी, ठीक है। अब पॉइंटिंग फटाफट देख लेते हैं, ए एक्स वन है, ए वाई वन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स वन, किसी को कोई डाउट, एक्स वन है तो यहाँ पे एक्स वन, ए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चों, वाई वन हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या लिया है, एक्स और वाई, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों, वाई हो जाएगा। ऐसे ही आपने यहाँ पे क्या लिया, एक्स टू वाई टू, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स टू, और यहाँ से यहाँ तक वाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा थ्योरम यूज करना है अपने को, ये क्या देख रहे हैं, ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स दोनों सम क्या है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर होंगे, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये लाइंस और ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, ये लाइंस और ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। दूसरा, दो पैरेलल लाइन को ये लाइन कट कर रहा है तो क्या होगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, सिमिलरली ये दोनों पैरेलल है इसको कट कर रहा है तो ये एंगल, तो तीनों एंगल क्या है, सेम है, तीनों एंगल सेम है, तो दो ट्रायंगल्स क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल्स ए पी, यहाँ पे क्या नाम दिया आपने, मिट गया, ए बी सी डी ई एफ, ओके कुछ दे दीजिए, यहाँ पे एम दे देते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स ए पी एम सिमिलर टू ट्रायंगल्स बी पी सी, दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है, सिमिलर तो समझ गए ना, तीनों एंगल सेम है, तीनों एंगल भी ये देख रहे हैं 90 है, ए भी 90 है, और ये आर्म्स और ये आर्म्स क्या है, पैरेलल है, और ये लाइंस कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन कट कर रहा है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल सेम, यहाँ से देख रहे हैं ये 90 डिग्री हो गया है। अब बात करते हैं इस एंगल का, तो दो एंगल सेम है तो तीसरा भी ऑटोमेटिक ऐसे भी सेम होगा, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके सेम हो जाएगा, तो तीनों एंगल क्या है एक्चुअल में सेम है, या ऐसे देख लेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये लाइंस और ये लाइंस पैरेलल है, और ये तीसरा क्या कर रहा है, ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। तो तीनों एंगल सेम हो गए, तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है बच्चों, आर्म्स का रेशियो सेम होता है, तो ये इसमें क्या है, ए पी है, इस ट्रायंगल में क्या है, ए पी, और इस ट्रायंगल में क्या है, पी बी इक्वल टू। अब इसका एक आर्म्स ए एम डिवाइड बाय इसका आर्म्स पी सी इक्वल टू, ये ट्रायंगल्स का एक आर्म्स कौन सा बच्चा, पी एम, छोटे वाले ट्रायंगल्स में, बड़े वाले ट्रायंगल्स में क्या है, बी सी। तो ये वैल्यू आपको पुट कर देना ऑटोमेटिक आ जाएगा, ए पी और पी बी, ए पी का वैल्यू कितना है बच्चों, एम है, एम वन, इसका वैल्यू एम टू, ए एम का वैल्यू देख लेंगे, ए एम, ए एम का वैल्यू तो सिंपल है बच्चों, यहाँ से यहाँ एक्स है, ठीक है, और ये एक्स है, एक्स वन, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, ए एम, एम का वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना है, एक्स, और ये एक्स वन, तो क्या लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है बच्चों, एक्स माइनस एक्स वन, ये अपने को डिस्टेंस मिल जाएगा। अब इसका वैल्यू लिखना है, इसका वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स टू, और यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, x, तो x2 माइनस x, ठीक है, x2 माइनस है। सिमिलरली pm, pm का वैल्यू कहाँ है बच्चों, pm, ओके, तो pm का वैल्यू रख देंगे, ये मिट जा रहा है बार बार, pm, तो pm का वैल्यू क्या है, तो पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा,
यहाँ से यहाँ कितना है, तो यहाँ से यहाँ वाई वन है और यहाँ से यहाँ वाई है, तो वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन। बी सी, बी सी देखेंगे, ए है बी सी, बी सी ए वैल्यू है बी सी, तो टोटल वैल्यू कितना है वाई टू माइनस, इतना माइनस कर दीजिए, तो वाई टू माइनस इतना वैल्यू माइनस करेंगे, इतना वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, तो ये है y के बराबर है, तो y लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करके आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले हम इन दोनों को सेम कर लेते हैं, तो m1 x2 माइनस x1, m2 x माइनस x1, पहले इन दोनों वैल्यू को ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 x2 माइनस m1 x1 इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1, ठीक है बच्चों। अभी x वाले को एक साइड में रख लेंगे, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ को एक साइड में कर लेंगे, चलिए ये वैल्यू आपका हो गया m1 x2 माइनस x1, m2 x माइनस x1, एक साइड में कर लेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे पहले एक बार फिर से चेक कर लीजिए, सब सही है ना, m1 by m2 हो गया, am का वैल्यू कितना है, am का तो x माइनस x1, ऐसे ही pc का वैल्यू, pc कहाँ पे है बच्चों, pc p और c का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से आपने लिया है x2 और ये मान लिया सबने कर दिया x2 माइनस x, x2 माइनस x होगा बच्चों, ये ध्यान देंगे x2 माइनस x, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो x2 माइनस x और ये x माइनस x होना, मल्टीप्लाई करने के बाद लिख के आएगा बच्चों m1 x2 माइनस m1 x, m2 x माइनस m2 x, अब एक x को एक साइड m1 x2 इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो m2 x1 इक्वल टू ये यहीं पर रहेगा m2 x और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा m1x, ठीक है बच्चों। अब इधर साइड में थोड़ा लिख देते हैं, ये ऐसे ही रहेगा m1x2 प्लस m2x1 इक्वल टू, यहां से हम x कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा क्या m1 प्लस m2x, यही होगा ना बच्चों, x हमने कॉमन ले लिया m1 प्लस m2x, x अपनी जगह पे रहेगा और ये इधर डिवाइड कर देंगे, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आया बच्चों x, तो x इक्वल टू क्या आया m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो ऐसे ही इसको ले लेंगे m1 बाय m2 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y, तो ये वैल्यू अपने को मिल जाएगा m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसका वैल्यू निकाल सकते हैं अगर ये पॉइंटिंग दिया हुआ है तो चलिए ये डेरिवेशन हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही ट्रायंगल्स का भी आप डेरिवेशन कर सकते हैं, कैसे एरिया आपको निकालने हैं ना ट्रायंगल्स का, इसमें क्या करेंगे एक फिगर ऐसे ही ड्रा कर लेंगे, आप खुद कर सकते हैं इस तरीके से ड्रा कर लेंगे, एक ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे बच्चों, इस तरीके से मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बना लिया, बना लेंगे यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2, x3 y3, ठीक है, इसको क्या कर देंगे इस तरीके से लाइन खींच देंगे। अब इसको पहले क्या करेंगे, इसका एरिया अपने को निकालना है, तो पहले एरिया आप किसका निकालेंगे, ये ट्रेपीजियम का, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है वन बाई टू, वन बाई टू क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके बीच का जो हमारा फार्मुलेशन है, फार्मुलेशन का मतलब क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड 1 बाई टू सम ऑफ पैरेलल, क्या लेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, फार्मूला याद है कि नहीं याद है, नहीं है तो एक बार याद कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1 बाई टू मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे सम ऑफ पैरेलल आर्म, सम ऑफ पैरेलल आर्म इनटू सम ऑफ पैरेलल, जब का पैरेलल आर्म्स है उसका सम कर देंगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल आर्म्स, ये हो जाएगा आपका
ट्रेपीजियम्स का एरिया निकालने के लिए, तो ट्रेपीजियम्स का एरिया निकाल लेंगे, ये ट्रेपीजियम्स का एरिया प्लस ये ट्रेपीजियम्स का एरिया, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, माइनस ए ट्रेपीजियम्स का एरिया कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अपने को इसका एरिया निकल जाएगा। इस फार्मूला साथ इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके।